ये मैलेसीजिया है। कितनी खुश है ना? और क्यों ना हो, मैलेसीजिया के पास खाने के लिए बहुत है और वो अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ है। आप सोच रहे होंगे कि मैलेसीजिया कौन है और कहाँ है। मैलेसीजिया एक प्रकार की यीस्ट है जो आपकी, आपके दोस्तों की और हम सभी की खोपड़ी पर रहती है, और हम में से लगभग आधे लोगों के लिए ये रूसी की वजह बनती है। तो कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ज़्यादा डैंड्रफ क्यों होती है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है, आइए आपको बताते हैं। मैलेसीजिया हमारे बचपन में ही हमारी स्किन में मौजूद हेयर फॉलिकल्स को अपना घर बना लेती है। हेयर फॉलिकल्स स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हमारे बाल उगते हैं। मैलेसीजिया को ये खास तौर से पसंद होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद ग्लैंड्स सीबम नाम का एक ऑयली लिक्विड बनाते हैं जो हमारे बालों और स्किन को चिकनाई देता है और जिसे मैलेसीजिया खाती है। और चूंकि हमारी खोपड़ी हेयर फॉलिकल से भरी होती है इसलिए उसमें मैलेसीजिया भी बहुत होती है। जैसे जैसे सीबम को ये यीस्ट खाती है डैंड्रफ बनने लगती है। इस दावत के कुछ बचे कुचे टुकड़े स्किन की बाहरी परत का कवच तोड़कर अंदर चले जाते हैं। नतीजन दो चीजें होती हैं। सबसे पहले खोपड़ी अपनी बहुत सारी नमी खो देती है जिससे वह सूख जाती है। दूसरा, इम्यून सिस्टम स्किन में आई दरार का पता लगाता है और जवाबी कार्रवाई करता है। इससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो डैंड्रफ के साथ होने वाली खुजली का कारण बनती है। हमारी स्किन के सेल्स नियमित रूप से खत्म होते रहते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, और क्योंकि सेल्स इतने छोटे होते हैं हमें ये सब होता दिखता नहीं है। लेकिन जब डैंड्रफ होती है तो ये डेड सेल्स हेयर फॉलिकल्स के चारों ओर बड़े चिकने गुच्छे बनाते हैं जो फिर झड़ते हैं और आपके लिए शर्मिंदगी और परेशानी का सबब बनते हैं। तो इस तरह होती है डैंड्रफ मैलेसीजिया की वजह से। लेकिन इसके बावजूद कि हम सभी की स्किन में मैलेसीजिया होती है, हर किसी को डैंड्रफ नहीं होती। कुछ लोगों को ही डैंड्रफ क्यों होती है अभी तक इसका पता नहीं चला है। कई संभावित कारणों की जांच चल रही है, जैसे जीन्स में अंतर, स्किन की बनावट में अंतर और स्किन से नमी खोने में अंतर। फिलहाल डैंड्रफ से छुटकारा पाने का सबसे असरदार तरीका मैलेसीजिया को मारने के लिए एंटी फंगल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि शैम्पू। लेकिन जिन दुर्भाग्यशाली लोगों को डैंड्रफ होती है आमतौर पर उन्हें ये प्रॉब्लम जिंदगी भर रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। डैंड्रफ के इलाज के लिए वैज्ञानिक कई नए तरीके तलाश रहे हैं, खासतौर से कि क्या किसी तरह से इम्यून सिस्टम को ही डैंड्रफ से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन मैलेसीजिया सिर्फ बुरी नहीं है। हाँ, डैंड्रफ से परेशानी और शर्मिंदगी होती है, लेकिन इससे आपकी हेल्थ के लिए कोई खतरा नहीं है। वास्तव में वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि मैलेसीजिया का हमारे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? कुछ ऐसे। मैलेसीजिया अपने इलाके यानी आपकी खोपड़ी की हिफाजत करने में बहुत ही अच्छी है, चाहे हम कुछ भी आजमा लें। तो सवाल यह है कि क्या ये खोपड़ी को अन्य रोगाणुओं से भी बचा सकती है? अभी के लिए वैज्ञानिक इसके बारे में सोच सोचकर अपना सर खुजला रहे हैं।